हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। फाइनली वो दिन आ गया है ना। आज कितना है, 3 मार्च है, और फाइनली वो दिन आ गया। 3 अगस्त है आज, और वो दिन आ गया जिस दिन लास्ट वीडियो बनाया जा रहा है एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए, है ना। क्योंकि कल से तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा, और एक बार 4 से एग्ज़ाम जब हो जाएगा, एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा 12 अगस्त तक में, उसके बाद तो एसएससी सीएचएसएल 2020 के नाम पर तो वीडियोस बनेंगे नहीं। तो आज जो है लास्ट वीडियो ही, इसको आप समझिए रिवीजन के लिए, है ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, ओके, बेस्ड ऑन 12th से 19th अप्रैल पे जो एग्ज़ाम हुए थे उस पे बेस्ड। तो बस ये आपका एक रिवीजन टेस्ट है, एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन टेस्ट ही इसको आप लेंगे। चलिए फिर सभी लोग लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। कल भी हो सकता है किसका किसी का पेपर होगा, तो उसको जल्दी सोना है, जल्दी जगना भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबको बताएंगे कि जब आपका एग्ज़ाम हो, जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, उसको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। किसी भी क्वेश्चन में अगर लगे कि कुछ नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है या कुछ अलग पूछा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप पहले आप कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन पर रिजिड नहीं होना है, बात समझ में आया, किसी भी क्वेश्चंस पे रिजिड किसी को भी नहीं होना है, ओके। जो भी क्वेश्चंस, पहले वही क्वेश्चंस को बनाना है जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए जो है आपको दिमाग में रखना है कि 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए 10 मिनट, ओके, 10 से 12 13 मिनट, और जीके के लिए जो रिमेनिंग 7 से 8 मिनट है, यानी कि ये सब चीज़ आपका 30 मिनट में हो जाना चाहिए। लास्ट के लिए मैथ्स बचा के रखेंगे, मैथ्स के लिए अराउंड 30 मिनट आप देंगे, 25 से 30 मिनट। अटैम्प्ट की बात करें तो पहले अटैम्प्ट कुछ भी करो, लेकिन लास्ट में जो है 7 से 8 मिनट जीके के लिए बचा लेना, 7 से 8 मिनट। क्योंकि मैथ्स में अगर मान के चलो कि 1 मिनट मैथ्स में हो, तो वो क्वेश्चन बने नहीं बने पता नहीं, लेकिन लास्ट का अगर 1 मिनट बचा हुआ है तो जीके का 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी सब तो स्मार्ट है, अपना अपना सबका स्ट्रेटेजी भी होगा, सब उसी हिसाब से बनाएगा भी। बस मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, ओके। और एक चीज़, कल जब एग्ज़ाम जैसे ही होगा, फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, प्लीज़ 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 क्वेश्चंस को शेयर करना, ठीक है। क्वेश्चंस को शेयर करना कि कैसा गया, क्वेश्चंस जो भी आए हो उसको बताना कि कैसा गया है, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप का है, ये सब आप लोग शेयर करेंगे मेरे साथ। अब सवाल है कि शेयर कहाँ पर करेंगे, तो शेयर के लिए जो है व्हाट्सएप पे आप शेयर कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे, 7667626395। क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस कैसा है ये आप बता देंगे, ये क्वेश्चंस आया है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी गुड। साइनो एंटो का है, PDF हम दे देंगे, ठीक है, क्लास आज नहीं हो पाया उसका। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर देते हैं सबको अच्छे से। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फटाफट आंसर सबको देना है, है ना। सारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, बस रिवीजन टेस्ट दे के जाना है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 90+ तो एकदम आना ही आना चाहिए। चलिए, मध्य प्रदेश आंसर होगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, असम हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वी कैन फाइंड द रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क किस जगह पे है, सबको बताना है, राजस्थान होगा करेक्ट आंसर, आंसर सबको देते जाना है, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर सिचुएटेड है, बंदीपुर नेशनल पार्क, चलिए बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटक। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज,
चलिए यहाँ हो जाएगा हेले नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन वेयर? सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है? पिन वैली नेशनल पार्क बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन आइबेक्स इज लोकेटेड इन, कहाँ है पिन वैली नेशनल पार्क? आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी कैन फाइंड द नंदा देवी नेशनल पार्क? ये नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? नंदा देवी नेशनल पार्क क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कहाँ पे है नंदा देवी? उत्तराखंड होगा राइट आंसर, उत्तराखंड में है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क ये भारत के किस, कहाँ पे है, ठीक है, किस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलो, सिमलीपाल ओडिशा होगा करेक्ट आंसर, ओडिशा में है ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन नेशनल पार्क सबको याद रखना है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा डैम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, तो ये भाखड़ा डैम ये भारत के किस राज्य में है? चलो, सबको आंसर यहाँ पर देना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिवीजन के लिए ये क्लास, स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, स्पेशल क्लास, ताकि एग्ज़ाम से पहले सब लोग अच्छे से जाएं, है ना। और मेरा भी ये लास्ट क्लास होगा एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए, बाकी कल से तो सिर्फ एनालिसिस का वीडियो बनेगा। ओके, तो भाखड़ा डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लॉन्गेस्ट डैम, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट डैम? हीराकुंड डैम जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है, हीराकुंड डैम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, और किस नदी के ऊपर है? महानदी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैटूर डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? ये जो मैटूर डैम है ये कहाँ पर है, ठीक है, मैटूर डैम एसोसिएटेड विथ विच रिवर, तो किस रिवर से ये है डैम रिलेटेड? चलिए, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन नंबर, कावेरी नदी से, और कहाँ है मैटूर? तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है ये डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकई डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? तो ये जो उकई डैम है ये किस रिवर से एसोसिएटेड है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस रिवर से ये एसोसिएटेड है? और ये जो रिवर, ये जो डैम है ये कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है ये डैम। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तापी नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम इज इन वेयर? इंदिरा सागर डैम ये किस राज्य में है? इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में इंदिरा सागर डैम मौजूद है? मध्य प्रदेश, याद रखना है सबको, मध्य प्रदेश में है ये डैम। ओके, मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर डैम एक मल्टीपर्पज डैम है। ओके, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है, नर्मदा रिवर के ये ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? तो ये जो बगलिहार डैम है ये आपका किस डैम, ये किस नदी से एसोसिएटेड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ था, है ना, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जम्मू एंड कश्मीर में है ये, चेनाब नदी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम ऑफ नर्मदा रिवर इज इन विच स्टेट? सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, क्या होगा गाइस? सरदार सरोवर डैम ये कहाँ है? ये होगा गुजरात, गुजरात होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नांगल डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? तो भाखड़ा नांगल डैम ये कहाँ पे है,
और किस रिवर से ये एसोसिएटेड है? क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? रिवर से किससे संबंधित है ये? तो सतलज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सतलज रिवर। और ये जो भाखड़ा नेंगल डैम है ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। ओके, सतलज रिवर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ओके, सतलज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखवार डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? अब ये लखवार डैम ये एसोसिएटेड है किस रिवर से? चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखवार डैम यमुना नदी यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर है ये डैम। ओके, यमुना नदी के ऊपर है ये डैम। और लोकेशन कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी डैम ये किस नदी के ऊपर है ये डैम? ठीक है, टेहरी डैम ये किस नदी के ऊपर है? क्या होगा राइट आंसर? टेहरी डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? ये जो रिवर है, ये जो डैम है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में ये डैम है। ये टॉलेस्ट डैम है भारत का। ठीक है, किस नदी के ऊपर है? भागीरथी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुकी आर्क डैम ऑफ पेरियार रिवर इज इन? ओके, तो ये जो आर्क डैम है ये भारत के किस राज्य में होगा? ठीक है, ओनली पढ़ाई नो बकवास, है ना, जल्दी से सबको इसका आंसर देना है। ओके, केरल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पेरियार रिवर ऐसे भी केरल में है और ये भी आर्क डैम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो मैंगलोर, ओके, कर्नाटक का ही पार्ट है, कर्नाटक में बैंगलोर भी है, मैंगलोर भी है। तो कर्नाटक, ये जो मैंगलोर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, है ना? नेत्रावती यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्रीनगर ये किस नदी के किनारे है? श्रीनगर इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। श्रीनगर, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, वैसा ही टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस भी है। तो श्रीनगर इज एसोसिएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? तो झेलम यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सूरत किस नदी के किनारे है? सबको ध्यान रखना है, सूरत, सूरत राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तापी, ताप्ती नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ न्यू दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? न्यू दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली आज भी बोले थे यमुना नदी के किनारे है न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गया जो है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? गया, तो गया कहां पे है, किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फागलू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? डिब्रूगढ़ क्या हो जाएगा राइट आंसर? डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये जो सिटी है विजयवाड़ा का, ये लोकेटेड है किस नदी के किनारे? चलिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? नेलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नेलोर जो है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? क्या हो जाएगा नेलोर किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ? तो ये जो मदुरई सिटी है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या होगा? वैगई यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु का ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज कटक सिचुएटेड? कटक किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? कटक, कटक कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये जो है किस नदी के किनारे सिचुएटेड है कटक, तो महानदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे सिचुएटेड है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अयोध्या किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो ध्यान रखना है सबको, सरयू नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे है? ये तो आपको याद ही हो गया होगा, मूसी नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रट गए होंगे आप लोग हैदराबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, उज्जैन जो है ये लोकेटेड है किस नदी के किनारे? उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? उज्जैन किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? शिप्रा यहां पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इस नदी के किनारे है। नेक्स्ट, लखनऊ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लखनऊ के बारे में बताना है कि ये किस नदी के किनारे है लखनऊ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, गोमती नदी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गुवाहाटी बताओ क्या होगा, गुवाहाटी किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे सिचुएटेड है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज, सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, AgBr जो है ये है किसका? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए तो कॉस्टिक सोडा का क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला? चलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? NaOH, NaOH है ये फॉर्मूला। ओके, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का यहां पर केमिकल फॉर्मूला बताना है, किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का। कैल्शियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला? सबको इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का? CaNO32। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम सोच रहे हैं कि यहां पर एक बार हम बता दें। चलिए जैसे कि यहां पर कुछ मुझे बताना था, ACETI, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का ध्यान रखना है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, आप लोगों को आता है तो बताते रहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, किसी को पता है? HNO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इसका हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? तो ये होता है आपका AgNO3 होता है, ठीक है।
सिल्वर का Ag होता है, ठीक है, नाइट्रेट का NO3 हो गया, ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच इंडिया, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली। तो भारत में, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पर खुला है, ओपन हुआ है। राइट आंसर क्या होगा, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली, कहाँ पे ये हुआ है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। और उत्तराखंड का पूछ सकता है आपसे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये चेंज हुए हैं, ओके ध्यान रखना है उत्तराखंड का कौन है, पुष्कर, याद बस आप रखिए, पुष्कर सिंह धामी, ये जो हैं चीफ मिनिस्टर नए बने हैं उत्तराखंड के, ठीक है, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या, तो ये पूछ सकता है उत्तराखंड का पुष्कर, पुष्कर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1st January 2021, ओके तो DRDO का ये कैमा फाउंडेशन डे था, क्या हो जाएगा, DRDO का कैमा फाउंडेशन डे था, ध्यान दो, और इसका आंसर क्या होने वाला है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 63rd हो जाएगा, ठीक है, 1958 में इसका फाउंडेड हुआ था, ओके हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके चलिए, और ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो किसको नियुक्त किया गया है न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड का, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनीत शर्मा होगा करेक्ट आंसर, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 67th ग्रैंड मास्टर, अब तो हालांकि 68th भी ग्रैंड मास्टर हो गए हैं, ठीक है इसको भी पढ़ के चले जाना, नाम ध्यान में नहीं है, 67th ग्रैंड मास्टर क्या हो जाएगा, 67th ग्रैंड मास्टर कौन है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABCD में क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लियोन मैंडोन का जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ब्रेल डे ये कब ऑब्जर्व होता है, ठीक है ब्रेली डे ये कब होता है, ऑब्जर्व कब होता है, ठीक है जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज है, 4th January होता है, ठीक है 4th January हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021, ओके मुकेश अंबानी तो अभी छाए हुए हैं क्योंकि पैसों की जो बारिश हो रही है और जो उनका अकाउंट भर रहा है इससे तो लोग सब लोग प्रभावित हैं, तो मुकेश अंबानी जो है इस लिस्ट में कैमे नंबर पे आ रहे हैं, और इसी लिस्ट में जो है इलॉन मस्क नंबर 1 पे थे, ठीक है इस लिस्ट में, अरे चलिए इसमें क्या है, हालांकि ये जो लिस्ट हुआ था इसमें तो 12th नंबर पे थे है ना, लेकिन अगर हम फिर मार्च में एक रिपोर्ट आया शायद उसमें 8th है, 8th होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 8th ठीक है 8th हो जाएगा, ठीक है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का बात करें तो मुकेश अंबानी 8th नंबर पे आ रहे हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड में, और इलॉन मस्क जो है ठीक है टेस्ला के मालिक ये फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, तेलंगाना के चीफ जस्टिस का पूछा गया एग्जाम में जो कि हिमा कोहली होती, तो यहाँ पर गुवाहाटी के भी बहुत सारे जगह के चीफ जस्टिस अपॉइंटेड हुए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आ सकता है एग्ज़ाम में, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, तो सुधांशु धूलिया यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जस्टिस डैश वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, ओके सिक्किम हाई कोर्ट का कौन बने हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस सिक्किम हाई कोर्ट का,
तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कौन नियुक्त हुए थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान होगा करेक्ट आंसर, राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2021। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था, क्या था थीम, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी डे कब था, हिंदी डे कब था, तो ये होगा कब, 10 जनवरी को होता है हिंदी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ वर्ल्ड हिंदी डे है, यहाँ नेशनल हिंदी डे है, ठीक है, नेशनल हिंदी डे कब होता है इसका बताओ आंसर, नेशनल हिंदी डे क्या हो जाएगा, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा दिवस कब होता है, नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, युवा दिवस कब होता है, 12 जनवरी को होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई फॉर द आईसीसी बोर्ड मीटिंग, किसे जो है चुना गया है, अभी तो जैसा का ही नाम आ रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 85th रैंक है। आर्मी डे कब ऑब्जर्व होता है, आर्मी डे, व्हेन इज़ द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व, इंडियन आर्मी डे कब होता है, 15th जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे ये कब ऑब्जर्व होता है, हर साल वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर कब होता है, वर्ल्ड थिएटर डे क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, थिएटर डे कब होता है, तो 27th मार्च हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 27th मार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, तो ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है, ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, तो ये है गर्ल गैंग, ओके गर्ल गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरनूल एयरपोर्ट इज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, ये एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत का रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, भारत का रैंक कितना है, रैंक है 40, ओके 40 रैंक हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये कब होता है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस डे होता है कब, 24 मार्च को, ठीक है 24th मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, देखिए एक्चुअली क्या है मेरा पढ़ाने का तरीका औरों से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम में आपको रियलिटी में, अगर आप बताइए रियलिटी में क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको कितने देर में बनाना है, कोई भी आदमी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि तुम जीके 15 मिनट में बनाओ, अगर जो बच्चा 15 मिनट में जीके बनाएगा उसका तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग मैथ कितने देर में बनाएगा, किसी से भी आप पूछ लेना 7 से 8 मिनट मैक्सिमम जीके के लिए टाइम निकलता है, तो 7 से 8 मिनट के अंदर में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर जो कि 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस जो है आपको, मतलब 100 चीज़ आपको देखने हैं, 25 तो क्वेश्चंस हो गए और 4 उसके ऑप्शंस हो गए, तो अगर आप स्पीड में नहीं पढ़ने का आदत डालेंगे, जैसे मेरा आप देखते होंगे कि जैसे क्वेश्चन पढ़े व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021, आपको भी एकदम तेज़ी में इसको पढ़ना है, तो पढ़ने का आदत अगर अभी से नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इसीलिए मेरा मेन फोकस होता है कि क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी में पढ़ के मतलब प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ठीक है। और आपको कभी भी एग्ज़ाम में अगर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे क्या होगा इसका आंसर, तो द क्लॉक इज़ टिकिंग यहाँ पे होगा। अब मान के चलिए कि हम कंफ्यूज हैं इट्स टाइम में और बी और सी में, हमको ज़्यादा लग रहा है कि बी होगा तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है,
ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है आपको, ठीक है, सोचने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्टेट ने जीत लिया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड, ठीक है, ये जीता है किसने, सिक्किम ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोलॉजिकल डे ये कब होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे, तो ये कब होता है मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम विभाग, 23 मार्च हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2019, ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीत लिया है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2019, दुर्भाग्य से कंगना रनौत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो इसी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीत लिया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो मनोज वाजपेयी ने जीत लिया है, ठीक है, मनोज वाजपेयी, ओके, ये तो डिजर्विंग कैंडिडेट है। चलिए, और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है सबसे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार किसको दिया गया था, लास्ट बार तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, सबको इसका आंसर आना चाहिए कि रजनीकांत को दिया गया, ठीक है, रजनीकांत को दिया गया है क्या, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एकदम दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है 67th नेशनल फिल्म नेशनल अवार्ड में, चलिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छिछोरे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, चलिए, तो इसमें भारत का रैंक कितना था, भारत का रैंक कितना है, 139 है, ठीक है, वो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है, 139। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब सेलिब्रेटेड होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड इज व्हेन, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पोएट्री डे ये कब सेलिब्रेटेड होता है, वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, ये भी 21 मार्च को ही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड पोएट्री डे कब होता है, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं हम लोग, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में जो है भारत का रैंक कितना है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक कितना है, 56th है, ठीक है, 56th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे 2021 का थीम क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021, तो थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का, ये था वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर जो है ये इस बार का थीम था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, तो कौन सा कंट्री जो है टॉप पोजीशन पे था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के,
जिसमें भारत का रैंक, आपको अभी पढ़े हैं, भारत का रैंक कितना है 139। टोटल 149 कंट्रीज़ में से भारत का रैंक सोचिए 139 है, ठीक है। और फिनलैंड जो है ये नंबर वन पोजीशन पे है, फिनलैंड नंबर वन पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021 का, ठीक है। यहाँ पर थीम पूछ लिया गया है आपसे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021, तो थीम था क्या, कीप काल्म स्टे वाइज बी काइंड, ठीक है, कीप काल्म स्टे वाइज बी काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है ये कब सेलिब्रेटेड होता है भारत में, क्या होगा करेक्ट आंसर, When is the Ordnance Factories Day celebrated in India? ये होता है 18 मार्च को, ठीक है, 18th मार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म हैज़ बिन बिल्ट, ठीक है, तो किस कंट्री में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया गया है, ठीक है, हैज़ बिन बिल्ट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंगापुर इज द राइट आंसर, किस सिटी में, किस कंट्री में है, तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, सोचिए डबल सेंचुरी आज तक अफगानिस्तान के कोई प्लेयर टेस्ट मैच में बनाया ही नहीं था, और जो बनाया उसका नाम आ गया न्यूज़ में, इसीलिए कोई भी काम अगर पहला बार जिसने कर दिया वही उसी का नाम जो है हम लोगों को पढ़ना होगा और एग्ज़ाम में उसका नाम पूछा जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ हुआ है आपका, अरे भाई टेस्ट में 200 रन मार दिया तो ये भी करंट अफेयर्स बन चुका है, क्या होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहिदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो नेशनल, ठीक है, अब किसे नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, क्या होगा करेक्ट आंसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो है कौन बने हैं, तो एम ए गणपति जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन विल बी कन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड, कितने पर्सन को जो है यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए टोटल 20 पर्सन्स को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक डाउन अंडर द डोम, ठीक है, तो इसके ऑथर का नाम क्या है, ठीक है, इसके ऑथर का नाम क्या है, तो स्वाति पांडे इनका नाम है, ठीक है, स्वाति पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर राइट्स डे ये कब होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ द ईयर, तो कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है, ये होता है 15th मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच ऑफ दिस हैज वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2021, ठीक है, तो किसको मिलने वाला है यहाँ पर, विच ऑफ दीज हैज वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2021, तो फोल्कलोर जो होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम क्या था कंज्यूमर राइट्स डे 2021 का, ठीक है, थीम क्या था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का, ये था टैकलिंग प्लास्टिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच हेल्प टू फैसिलिटेट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, ठीक है, विच हेल्प टू फैसिलिटेट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री, वो है उस ऐप का नाम मेरा राशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, इनका नाम क्या है, ठीक है, कौन बने हैं ये न्यू चीफ, तो डॉक्टर जीपी समानता हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किडनी डे कब होता है, वेन वॉज द वर्ल्ड किडनी डे 2021 ऑब्जर्व, ये होता है कब, किडनी डे 11 मार्च हो जाएगा, ठीक है, 11th मार्च इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये किसे दिया गया है, किसने जीत लिया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का, तो कोनेरू हम्पी होगा करेक्ट आंसर, चेस प्लेयर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये कब होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, ध्यान में रखना है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 8th मार्च एवरी ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो किसे जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तरुण बजाज को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, UN रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब होता है ऑब्जर्व, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 3rd मार्च होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 3rd मार्च. नेक्स्ट, विच एंट्री हैज वॉन द मैक्सिमम अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अवार्ड जो है किसने जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में, तो द क्राउन ने जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो रीअपॉइंटेड कौन हुए हैं CBDT के, तो प्रमोद चंद्र मोदी यहां पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पे लोकेटेड है, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक नेशनल पार्क ये कहां पे लोकेटेड है, सैडल पीक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क ये कहां है, अंडमान एंड निकोबार में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, है ना, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ है, ल्यूशेन स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ओके, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यहाँ पर कौन सा सिटी है, चलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर जो है यहां पर राइट आंसर है, ठीक है, क्या है, जयपुर. और CGL वालों के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कौन सा है, जो दो और नया ऐड हुआ है, ठीक है ना, दो और नया ऐड हुआ है. अब टोटल जो है देखो यूनेस्को में क्या है कि यूनेस्को में एक तो हो गया आपका कल्चरल, जिसमें टोटल 32 अब हो गए हैं, पहले 30 थे अब 32 हो गए हैं, कल्चरल हो गया. नेचुरल में जो है, नेचुरल में कितने हेरिटेज साइट्स हैं, 7 है, ओके, नेचुरल में कितना है, 7 है, और मिक्स्ड में कितना है, मिक्स्ड में कितना हो गया, मिक्स्ड में 1 है, तो देखो 7, 1, 8 और 32 कितना होता है, टोटल 40 अब हो गए हैं. और ये जो मिक्स्ड वाला आपका जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है वो कौन है, कंचनजोंगा नेशनल पार्क, कंचनजोंगा नेशनल पार्क जो है ये कौन सा है, मिक्स्ड में है, जो कि सिर्फ एक ही आता है, ठीक है, कंचनजोंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ओके. और जो 7 यहाँ पर जो है नेचुरल, उसमें कौन कौन सा आता है, 7 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ओके, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क एक हो गया, दूसरा हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा हो गया कोयलादियो नेशनल पार्क, चौथा हो गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी हो गया आपका, सुंदरबन हो गया, और वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गए. काजीरंगा कहाँ पे है, ये नेशनल पार्क का आंसर आप लोग देते भी जाइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है. काजीरंगा कहाँ पे है, असम में. कोयलादियो ये कहाँ पे है नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में, हाँ राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, राजस्थान, भूल ही गए थे, राजस्थान हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेनमिनबी इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रेनमिनबी जो है ये करेंसी है किस कंट्री का, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, किस कंट्री का ये करेंसी है, चाइना हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, बनरघट्टा नेशनल पार्क, वेयर इज बनरघट्टा नेशनल पार्क, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई में है ये, ठीक है, चेन्नई में है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाईचुंग स्टेडियम ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, भाईचुंग स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, ओके, सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए तो कि सिक्किम के गवर्नर और सीएम कौन है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा सीट कौन है, ये आप कमेंट करके थोड़ा बताइए तो, ठीक है, सिक्किम का, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग मिसलिनियस चीज भी देख लेते हैं। तो सिक्किम का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, गैंगटॉक हो जाएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट चार हैं, राज्यसभा सीट एक है, लोकसभा सीट एक है, गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद है, और प्रेम सिंह तमांग जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा, ओके। सबको मेरे तरफ से जो है ऑल द बेस्ट रहेगा कल के एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ एंड प्लीज़ अच्छे से एग्ज़ाम देना, मेहनत तुम लोग ज़बरदस्त तरीके से किए हो, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह सोचना है, ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है। क्वेश्चन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, अटैम्प्ट भी अगर कम हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मन में किसी भी तरीके का मतलब कि अभिमान पाल के मत जाना कि रीजनिंग है तो 25 में 25 बना के आएंगे, अगर रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन बन गया मूव ऑन, नेक्स्ट में आपको मूव ऑन करना है। मान के चलो कि अगर हार्ड रीजनिंग भी आया और अगर आपसे 20 क्वेश्चन बना, बस 20 बना, तो इसमें मत ये मत सोचना कि भाई कि मतलब कि बी सी क्यों बना, हम 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं, नहीं बाबू, 12-13 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट के बाद तो आपको देखना भी नहीं है उसकी तरफ, और भी सेक्शंस होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, टोटल 100 क्वेश्चंस में से ऐसा है कि तुम 70 क्वेश्चन इजिली एक बार में बना जाओगे, ठीक है, और 15-16 क्वेश्चन दूसरी अटैम्प्ट में, ठीक है, चलो कोई नहीं, कल के लिए बेस्ट रहेगा कल। अरे देखो तुम लोगों का एक चीज़ बता दे रहे तुम लोगों को कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं होगा, और अगर हार्ड होगा भी तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मिल जाएगा। घर पर जो बच्चा, एक चीज़ मेरा नोट कर लो, घर पे जो बच्चा मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, 30 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस किया होगा घर पे, एग्ज़ाम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है, उसको घबराहट नहीं होगा क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, क्वेश्चंस को स्किप करने का तरीका, ये सब उसको पता होगा, ठीक है, ये सब उसको पता होगा, ठीक है। जो बच्चा सेट ही नहीं बनाया है, 10 सेट 15 मॉक टेस्ट बनाया होगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिस की कमी होगी, तो घबराना नहीं है। देखो ऐसा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ, रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि कोई भी बच्चा बना सकता है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस ले लो, जीके में 10 ले लो और मैथ में 10 ले लो, 1, 2, 3, 4 और इधर 5, 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कोई भी बच्चा, मतलब एक नोवाइस बच्चा भी है वो भी बना सकता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। और जिस बच्चे का प्रैक्टिस अगर अच्छा होगा वो इसको आप इंक्रीज कर दो कि इतना, इससे ज़्यादा जो है रीजनिंग में 20, इंग्लिश में 20 आराम से बन जाएगा, जीके में 15 और मैथ तो फिर सोच लो 25 क्वेश्चन में तो बनाने वाले 25 में 25 बना सकते हैं, बट 15-20 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। अटैम्प्ट जो है वो कोशिश करना कि 80 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो एग्ज़ाम में, 80 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो एग्जाम में, ओके, 80 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो, ठीक है। तुक्का लगाना हो तो 5-7 तुक्का लगा देना, वो भी तुक्का किस में लगाना, तो वोकैबलरी में लगा सकते हो और जीके में लगा सकते हो, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में तुक्का कभी भूल से भी मत लगाना, ठीक है, ठीक है, रीजनिंग में और मैथ में तुक्का मत लगाना, ठीक है, ओके। और रीचेक मतलब, और हाँ एक चीज़ है कि डायमीटर हो और रेडियस हो, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर डायमीटर हो रेडियस हो, कभी कभी क्या होता है कि डायमीटर पूछता है, बच्चा का रेडियस आ गया बस उसी पे टिक मार देता है, ये सब मत करना, ठीक है। और भी क्या है कि एग्ज़ाम में आप जाओगे अच्छे से
तो जो टाइम बचा होगा उस टाइम पीरियड में कोशिश करना, जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू याद नहीं हो, कोई फॉर्मूला याद नहीं हो, वो उसके बैक साइड में चुपचाप से लिख लेना, ठीक है। प्रेशर मत लेना, आराम से प्रेशर मत लेना, ओके, प्रेशर मत लेना। स्किप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे, स्किप, किसी भी क्वेश्चंस पे रिजिड मत होना। पहला जो 30 मिनट होगा ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि पहला 30 मिनट में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन तीनों को डील, सॉरी रीजनिंग और इंग्लिश स्पेशली, जीके के लिए तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में, है ना। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, घर पर जिस तरीके से तुम बनाते थे, जिस भी फॉर्मेट से, तुम्हारा जो भी फॉर्मेट हो, कि पहले तुम मैथ्स बना रहे हो या पहले तुम रीजनिंग बना रहे हो या तुम इंग्लिश या जीके, जो भी तुम्हारा फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट पे कल एग्ज़ाम दे के आना। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने लगना कि घर पर तुम पहले इंग्लिश बनाते थे और वहाँ जाकर तुम पहले मैथ्स बनाने लगो, ऐसा गलती करना भी मत, ठीक है। तुक्का के लिए देखो, तुक्का के लिए बेस्ट यही रहेगा, अगर अब तो थोड़ा सा तुक्का कम हो गया है एसएससी में, नहीं तो पहले तो बहुत चलता था। तुक्का में स्पेशली क्या होता है एसएससी में, कि बी और सी में आंसर्स बहुत होता है, ठीक है। ये लेकिन ये मेरे टाइम का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी एसएससी में या मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में बी सी से ज़्यादा होता है, ठीक है। बट तुक्का पे नहीं जाना, अभी क्या गलत चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट टाइम पे, ये सब नहीं। बस मेरा आपसे ये कहना है कि ये एसएससी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, बिंदास होकर जाओ, बिंदास होकर एग्ज़ाम दो, ठीक है। चलिए फिर, और उसके बाद तो फिर देखा जाएगा, समझ गए, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो शिकवा नहीं किसी से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रफ़ सीट अनलिमिटेड मिलेगा, अच्छे से रफ करना, हाँ रफ़ सीट मिलेगा अच्छे से। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड जस्ट लव यू ऑल। इस सेशन वाले जो बच्चे लोग थे सबको, क्योंकि सब बच्चे ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इस सेशन में मेरा तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, लेकिन फिर भी जो है ये सब हुआ। एप्लीकेशंस पे भी ज़्यादा क्लास हम नहीं ले पाए, ठीक है। एप्लीकेशन सोचो कि यूट्यूब वालों के लिए जो है एप्लीकेशंस पे जो है मैंने क्लास नहीं लिया, ठीक है। एप्लीकेशंस पे बहुत दिन से लाइव नहीं हुए, क्योंकि एक ही आदमी को एप्लीकेशंस भी करना था, यूट्यूब भी करना था, बट स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट किया। मैंने वहाँ पर उनको मॉक टेस्ट दे दिया, यूट्यूब पर लंबे लंबे क्लासेस ले लिया, पीडीएफ दे दिए, जस्ट थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, ठीक है, एनालिसिस में।